लाइन में खड़े भाई तमीज जुबान संभाल ली सर अपनी आप सब कुछ कैमरे रिकॉर्ड हो रहा है नहीं यार हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और आज हम लोग जा रहे हैं छुटमलपुर कुछ काम है क्योंकि मतलब संडे को इतना काम करने के बाद भी कुछ काम छूट गए थे तो आज चलेंगे और वो काम निपटाएंगे चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं। मैं भूल गया था कि आज हमारे स्नैक्स में समोसा है तो अभी हम आज आपको दिखाएंगे कि समोसे के लिए कितनी भीड़ होती है तो अभी मुझे पता मतलब आप लोगों को अभी मैं नीचे हूँ लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा है कि समोसे के लिए कितनी भीड़ होगी तो दोस्तों आप लोग देखिएगा कि क्या ही भीड़ होती है समोसे के लिए यहाँ पे क्वांटी यूनिवर्सिटी में या फिर दोस्तों देखिए क्या ही भीड़ है लेकिन फिर भी दिन यूजुअल जितनी समोसे दिन होती है उससे तो कुछ ना कुछ कमी है लाइन में खड़े भाई कमी जुबान संभाल ली सर अपनी आप सब कुछ कैमरे रिकॉर्ड हो रहा है नहीं यार गंदी बात कर रहे हैं काफ़ी मशक्कत की बात देख सकते हैं हमारे सारे मित्र जन और हम सभी लोग समोसे मिल चुके हैं लेकिन सामने सनसेट होने को कुछ ही देर में और हम क्विंटम के पहाड़ों से उतरेंगे दोस्तों क्विंटम के पहाड़ों से उतरने के बाद हम भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी हम निकल चुके हैं गेट की तरफ वहाँ से ऑटो लेंगे फटाक से जाएंगे छुटमलपुर और दिखाएंगे कि आज हम क्या क्या करते हैं छुटमलपुर में तो बने रहिए हमारे साथ फ्रेंड्स हमने अभी गेट पास वाला काम पूरा कर लिया है तो अभी हम बिना रुके एकदम से चाँपते हुए निकलेंगे गेट से बाहर अभी हम आ चुके हैं गेट से बाहर और फटाक से ऑटो लेके और चलेंगे छुटमलपुर फिर वही क्रॉस करते हुए गाड़ियाँ आ रही हैं पीछे हटो भाई छुटमलपुर क्या देहरादून चलो भाई तो अंकल कह रहे हैं छुटमलपुर चलो चाहे देहरादून चलो जी का जज्बा इतना है कि वो हमें देहरादून जाने को तैयार हैं इस ऑटो से तो झूठ बोल रहा है नो 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 चलेंगे छुटमलपुर अपना काम करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि तुम्हारे पार्टनर इतने बड़े चोर हैं कि चोरी से सब चोरे निकाल लिया और मुझे नहीं बताया छोटी बच्ची हो क्या चाल चाक खा रहे मुझे दे भी नहीं रहे हैं इसका बदला मैं लूंगा और जरूर से लूंगा याद रखना यार मैं इसका जो बदला लूंगा तो उसकी वीडियो भी डालूंगा ये छुटमलपुर तिराहे उतरने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है हमारा मार्केट तो अभी हम अपना काम करेंगे और आप भी देखिए क्या क्या हमारे काम होते हैं हॉस्टल से निकलने के बाद कुछ चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पे मतलब जो भी हॉस्टल से बाहर निकलता है तो कुछ ना कुछ खाने का सामान तो लेके ही जाता है क्योंकि हॉस्टल में मतलब होती है वो बात ना कि हॉस्टल में 12 बजे रात को बच्चों का दोपहर होता है तो 9 बजे में से खाना हो जाता है 9 के 8 बजे हो जाता है उसके बाद रात तक काफ़ी भूख लग जाती है तो खाने का सामान भी कुछ लेना होगा चॉकलेट कितना चलेगा मतलब ठंड हो रही थी तो बैग में अपना ये जैकेट भी लाए थे तो जैकेट में पहन लिया है और यार मतलब सॉरी गाइस मैं दिखा नहीं पाया कि मैंने क्या क्या काम लिया है अभी एक लास्ट काम बचा है तो हम आपको दिखा पाएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी में यार वीडियो शूट नहीं हो पाई तो दोस्तों आज खाने का मतलब भूख लग रही थी तो देख सकते हैं कि हमारे फाइव मतलब पैर पैर चल रहे हैं अभी चलने के बाद ये हमारे दोनों मित्रजन देखे इनको ये है मिस्टर अंशु और ये है मिस्टर कुणाल तो देख सकते हैं कि हमारी कितनी अंकल जबरदस्त बनाते हैं दोस्तों कुछ हमारे ड्रेस में थोड़ा कुछ सिलाई का काम था तो ना हमने पूरा करवा दिया जो अंकल जी पैंट वो भी सिल रहे हैं दुकान छोटी सी है लेकिन यहाँ पे बहुत काम होता है और अंकल जी हर किसी काम बहुत जल्द सिल करने की कोशिश करते हैं और देख सकते हैं कि मैंने भी अपना पैंट दिया उन्होंने सिल तुरंत दे दिया तो दोस्तों हम आ चुके हैं इधर कुणाल के पास ये भी कुछ अपना सामान ले रहे थे तो अभी देख सकते हैं कि ये कुछ कोलगेट ले रहे हैं और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अंकल जी की दुकान है उन्होंने कितने अच्छे से और प्यार से सजा रखा है इसे हर चीज़ें वेल मेंटेन मैनर में है मतलब ये किराने की दुकान मतलब इतने अच्छे तरीके से सजाई मैंने पहली बार देखी है तो इन्होंने भी एक कोलगेट लिया पता नहीं क्या ले रहे हैं क्या लिए तो हम लोग देख सकते हैं कि कुणाल है इनको हॉस्टल का पानी पछता नहीं है तो इन्होंने पीने के लिए पूरी ऐसे ऐसे दो कार्टून लिए उन्होंने और अभी और क्या लेना आपको हम लोग देख सकते हैं कि ये नवाबी लेके कहाँ जाएंगे जरा इनसे पूछिए इन लोग की नवाबी देखिए इन लोग को हॉस्टल का पानी नहीं पिया जाता है ये 20 रुपये वाली बॉटल जो है इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है बताइए बाहर रह के पढ़ रहे हैं और ये बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं वाह मुझे नहीं लगता कोई मतलब इतनी किसी की नवाबी चढ़ी हुई कि हॉस्टल में रह के बिस्लेरी का पानी पी रहा हो वाह दोस्तों आप लोगों ने दिल खुश कर दिया
कुछ आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ कहना चाहेंगे? आप भी पी लीजिएगा। दोस्तों अंकल जी दरिया दीदी देखिए, हम केला लेना भूल गए थे। अंकल ये रोक दीजिए, यहाँ पे केला है, समझ रहे हो आप। हम केला लेना भूल गए थे, हमने अंकल जी से बोला कि अंकल केला कैसे है? ये दे दीजिए थोड़ा, एक दर्जन। सब वही रेट है ना? बात याद आया कि हम जो है ये केला लेना भूल गए हैं, क्योंकि भी मतलब कुछ मन हमारे पार्टनर्स फ़ोन किए थे कि केला खाना है, तो हमने अंकल जी से बताया कि अंकल ऐसी सी बात है केला छूट गया है, तो अंकल जी ने गाड़ी घुमा ली और वापस में क्या जाना है। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए दिल से सलूट है। चाहे दोस्तों सिर्फ बैठते हैं और चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ। जी भी रख लो। गंदी बात कर रहे हैं।